मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर एक अहम बैठक, जहां संसदीय पैनल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी देंगे। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के सवालों का जवाब भी इस संसदीय पैनल के सामने रखा जाएगा। इस मीटिंग में कांग्रेस टीएमसी के नेता भी शामिल होंगे, यानी विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी, जो अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको इसकी बेहतर तैयारी के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दरअसल यह बुक नए एग्जाम पैटर्न पर बनी हुई है, जिसके तहत इसमें 2022 के न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। और साथ ही दोस्तों, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और 2400 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा साथ में चक्षु पब्लिकेशन की अग्निवीर वायु प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें की 25 प्रैक्टिस सेट्स को नए सिलेबस पर दिया गया है। इसलिए आप चाहें तो किताबों को एक ही साथ ले सकते हैं और ये आपकी बेहतर तैयारी में काफी मददगार साबित होंगी। दोस्तों, ये किताबें आपको लोकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन में भी मिल जाएंगी, जिसके खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मोदी सरकार की तरफ से जब से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, तब से कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं का पीएम मोदी और अग्निपथ योजना को लेकर हमला जारी है। मोदी सरकार की तरफ से बार बार इस योजनाओं को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर की गई हैं, लेकिन इस बार सियासत कम नहीं हो रही और आज एक बार फिर मोदी सरकार के मंत्री विपक्ष के नेता आमने सामने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती को लेकर सुबह 11 बजे संसद की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के फ्लोर लीडर सुदीप बंदोपाध्याय समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग में अग्निपथ योजनाओं को लेकर विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख देंगे। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी, जिसमें रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ था।